सहा मार्च दहा मार्च दरम्यान जी टेस्ट झाली होती 1997 मध्ये, त्यामध्ये टेस्ट डेब्यू केलं होतं, कसोटी पदार्पण केलं होतं आणि आपला शेवटचा कसोटी सामना त्यांनी श्रीलंकेविरुद्ध खेळला होता. एबी कुरुविला, दिस इज अ बिस्क बिग अँड बेस्ट क्रिकेटर इंडियन टीम. थँक यू व्हेरी मच, दिस इज अ बिग अँड बेस्ट. पहिल्या प्री क्वार्टर सामन्यामध्ये बी इंडियन संघाने समीर स्पोर्ट्स संघाला पराभूत केलेला आहे आणि पहिला संघ ठरलेला आहे क्वार्टर फायनलमध्ये. धडक भारतीय क्रिकेट संघातील अष्टपैलू खेळाडू हेवी कुरुविला आपल्या मधून रजा घेत आहेत. आमदार चषकाची शान चारही दिशांना आता वाढलेली आहे, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. फ्री क्वार्टरचा हा दुसरा सामना आपण पाहतो आहे धनेश शेलेवन्ना विरुद्ध बालाजी स्पोर्ट्सचा. या दोन संघामध्ये पांडुरंग धर्मा पाटील फॅम टीम धनेश शेलेवन कुक्षे अँड दयानंद चोरगे फॅम टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा. आपल्या गावचे गायक किरण जुकर आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये. वेलकम रुपेश आणि दीपक ही जोडी मैदानामध्ये. यावेळी बॅकफुट वर जाऊन चेंडूला कवळच्या दिशेने टोलवलं आहे एका धावेसाठी. छोट्या बॅकलिफ्टने एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज रुपेश. एका धावेने बालाजी स्पोर्ट्स आणि रुपेशचं अकाउंट ओपन होते. आउट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी. छोटा बम बडा धमाका रुपेश ही सलामी जोडी. यावेळी मोठा फलंदाज बाद होते. बडी मसली जाल में फसते हुए दीपक मडवी याची गेली संपुष्टात. हे आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. चेंडू पडल्यानंतर आतल्या बाजूने खूपच वळला होता आणि एष्ट्यांचं वेध घेतलं होतं चेंडूने. पहिला हात बसतोय बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाड्या संघाला दीपक मडवीच्या रूपाने. गोल्डन डक वर पहिला फलंदाज बाद झालेला दीपक मडवी. नवीन फलंदाज सोमनाथ. सुभाष धुमाळ लायन ऑफ भिवंडी जबरदस्त खुश आहेत कारण आमदार चषक आज भरपूर उंची गाठतंय. पण आपण पाहिलं की कुरुविला यांच्या गोलंदाजीवर संजय भाई मिड विकेटला एक जबरदस्त षटकार मारला आणि हे बघून आम्ही फार खुश झालो. नक्कीच इंद्रजंग मध्ये नंबर वन फलंदाज आहे त्यांचा संघ आहे नंबर वन वर रँक करत आहे गावदेव भादवडा संघ आणि त्या संघाला आपण एक्शन मध्ये पाहणार आहोत. आणि स्वतः एबी कुरुविला यांनी समोर मैदानात म्हटलं भाई गुड शॉट. यावेळी करारा ऑफ ड्राईव्हचा फटका भावेश पवार चेंडू फील करतोय. तोपर्यंत फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते. एका धावीने सोमनाथ हे आपला अकाउंट ओपन करतोय आणि बालाजी स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या होते ती 1-2. अख्तर शेख फ्रंटलाईन गोलंदाज आपण बघतोय ज्या गोलंदाजाने यंदाच्या हंगामामध्ये धनेश शेलवन कोक्षीय संघासाठी अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली आहे. विकेट टेकर गोलंदाज ठरलेला आहे यंदाच्या हंगामामध्ये धनेश शेलवन कोक्षीय संघासाठी. 5 चषकांसह धनेश शेलवन कोक्षे यंदाच्या हंगामामध्ये नंबर 2 वर रँक करत आहे आणि गेल्या वर्षी धनेश शेलवन कुक्षा संघ नंबर 2 वर रँक करत होता. महेंद्र स्पोर्ट्स हा संघ गेल्या वर्षी नंबर 1 वर रँक करत होता. याली एवढा या छोटा बम बडा धमाका. हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये अतिशय उत्कृष्ट संपर्क टायमिंग लार्ज ऑफ बॉटमॅनचा चांगला वापर छोटा पॅक बडा धमाका.
रुपेश षटकर ने पोचतो अपने वैयक्तिक सात या धावसंख्येवर आणि बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाडा संघाची धावसंख्या वाढून होते ती 1-8 हे आमचं मान्यवर कक्ष आपण पाहू शकता। आज मोठ्या संघाने आपण एक्शन मध्ये पाहणार होतो। आज भेंड यांना पहिला संघ ठरलेला आहे क्वार्टर फायनल मध्ये धडक मारणारा, त्यानंतर दुसरी लढत आपण पाहतोय धनेश शेलवन विरुद्ध बालाजी स्पोर्ट्स प्री क्वार्टर ची, त्यानंतर बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली विरुद्ध सोनादेवी टेमघर, त्यानंतर मयुरेश स्पोर्ट्स विरुद्ध प्रथम कुमार, त्यानंतरचा सामना असणार आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स विरुद्ध रमणिका ओवली। अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचं आयोजन मित्रांनो आपण पाहतोय। आपण पाहत आता क्रिकेट किरंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संघ अमदार चषक 2018 मध्ये रम्य सायंकाळच्या या सत्रामध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचा या स्पर्धेचे आयोजक सन्माने रुपेश म्हात्रे साहेब सन्माने संजय भाई म्हात्रे साहेबांकडून हार्दिक स्वागत आहे। भादवडचे उद्योगपती पांडुरंग म्हात्रे साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये, वेलकम। धावसंख्या आपण बघतो 8 पहिले षटक मार्गस्थ आहे। अख्तर शेख व्यापी डायज करून गोलंदाजी मार्ग सज्ज होते। सामना करे फलंदाज रुपेश मॅन फ्रॉम सुरई यावेळी हो हो मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे, चेंडू आले क्षेत्ररक्षक आणि यावेळी मात्र सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही। शेखर दलवी याची सुरक्षित हातांची झोली आणि दुसऱ्या फलंदाजाला जावे लागेल डगडच्या आसऱ्याला। रुपेश याची गेली संपुष्टात, एक तुम्हारे एक हमारे अपने पहाय मिलते हैं कारण या अगोदर चेंडूर षटकार फेस के होता फटका चांगला होता, मात्र जी लांबी साधायची होती ती लांबी साधता आल्याने उंची जास्त आणि परिणाम स्वरूप झेल पकडला जातोय। रुपेश याची गेली संपुष्टात आलेली आहे। दोन फलंदाज बाधून फलंदाज हे आपण पाहू शकता, एलिव्हेशन मिळालं नव्हतं या फटक्या मागे। चेंडू खूप वेळ हवेत होता, उंची जास्त होती, लांबी गाठू शकला नाही आणि परिणाम स्वरूप दुसरा फलंदाज रुपेश या झेलबाजच्या रूपाने बाद झालेला आहे। नवीन फलंदाज सूरज जोशी टू ओपनर बॅक टू पॅवेलियन, रुपेश आणि दीपक ही जोडी बाजून पॅवेलियन मध्ये फरकली आहे। सोमनाथ आणि सूरज ही जोडी मैदानामध्ये हे आपण व्हीआयपी डाईज पुन्हा एकदा पाहू शकता। मान्यवर कक्ष अनेक मान्यवर आहेत त्यांच्यासोबत या स्पर्धेचे आयोजक सन्माने संजय भाई म्हात्रे साहेबांनी आपण पाहू शकता, ज्यांचा संघ ओल्डी गोल्डी क्रिकेटमध्ये नंबर 1 वर रँक करत आहे गावदेव भादवाड। रुपेश यांनी बाद होण्यापूर्वी 7 धावांचं योगदान दिलं होतं। दीपक याला मात्र खातंही उघडता आलं नव्हतं। सोमनाथ खेळतो आपल्या वैयक्तिक एक या धावसंघावर, सूरज नुकताच खेळपट्टीवर आलेला आहे। दूरवर फैलवलेले विखुरलेले क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता। दोन क्षेत्ररक्षक 20 एफ मध्ये एस्टेच्या मागे, शॉर्ट थर्डमॅनला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला, एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट फायनलला आपण पाहतोय। इथं सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषे लगत पाहायला मिळतात। यावेळी एक्सप्रेस डिलिव्हरी निघून जातो स्टेजच्या हातामध्ये। पहिल्या षटकाची समाप्ती, पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाडा संघाची धावसंख्या झालेली होती 2-8 हे रिप्लेमध्ये पाहू शकता। आउटसाइड ऑफस्टम हा चेंडू हाताला होता गोलंदाजाने। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स मित्रांनो, स्वागताकडे वळूया। भिवंडी महानगरपालिका शिक्षक सेना कार्यकारी सदस्य संतोषजी दिवासर व्यासपीठावर विराजमान आहेत, आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत। आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। शिव व्यापारी सेनेचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष आदरणीय रमाकांत दादा गुळवी यांचं हार्दिक स्वागत आहे। सुंदर अशी बॅग दिलेली आहे त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच साठी,
त्यानंतर दिनेश निकते सर, आदर्श शिक्षक पंचायत समिति भिवंडी यांचं आपण स्वागत करणार आहोत, सुस्वागतम। यानंतर जय हनुम फोर्टी प्लस सरवलीचे उत्कृष्ट खेळाडू जगदीशजी चौधरी जग्गूदादा यांचं आपण स्वागत करणार आहोत आमदार चषक 2018 मध्ये। आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद तरी सर। पहिले षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय 2-8 हुक करण्याचा प्रयत्न, एक अतिशय वेगवान चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज। पंचांचा लेग बायचा इशारा आहे, अवांत धाव लेग बायच्या रूपाने सिंगल ने धावसंख्या उडवून होती ती 9। दुसऱ्या षटकासाठी सुद्धा संघ नाही का धनेश येवलेवन कुक्षे संघाचा भावेश पवार आलेला आहे स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीकडून। विशेप मध्ये आपण पाहतोय यष्टरक्षक अजय फुरा मॅन फ्रॉम हवेदेवे, शॉर्ट फायनलला मॅन फ्रॉम हवेदेवे विके म्हात्रे आणि शॉर्ट थर्ड मॅनला मनोज भोईर मॅन फ्रॉम हवेदेवे। यावेळी विकेट टू विकेट हा चेंडू हाताला होता गोलंदाजाने, इष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू होता हे आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता। इस वक्त गोवे से निकेश मयूर, नरेन शिंदे ने सोमनाथ और बालाजी को ऑल द बेस्ट कहा है। यावेळी चेंडू हवेत आहे मात्र सेफ लँडिंग होत आहे, शत्रुशेच्या पुढे चेंडू टप्पा पडतोय, तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला। एका धावीने धावसंख्या हळूच पुरवू शकते, दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या प्रवेश करते 10। फ्री क्वार्टर मधील दुसरा सामना आपण पाहतोय बालाजी स्पोर्ट्स विरुद्ध धनेश येवलेवन कुक्षे या दोन संघामध्ये। बी इंडियन क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके, अगली दो टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा, बंटी स्पोर्ट बोरियोली और सोना देवी टीम घर। यावेळी मिस टाइमिंग फटका आहे चेंडू हवेमध्ये, प्रयत्न चांगला, धावबाची संधी निर्माण झाली होती। यस, दोनों बैट्समैन बच गए, पहले सूरज बचे उसके बाद सोमनाथ बचे, दोनों बच गए। धावसंख्या 11-2 अशी धावसंख्या पाहतोय बालाजी स्पोर्ट्स संघ, नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भावेश नाईक गॅलरीकडून वालताना सामनागर फलंदाज सोमनाथ, स्विच खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडून बॅट मध्ये संपर्क होत नाही, निघून जातो इष्टेच्या हातामध्ये, निर्धाव चेंडू समाप्ती। स्विच फटका खेळण्यासाठी टायमिंग खूप महत्वाचं असतं, यावेळी आपटलेला चेंडू होता, चांगले क्षेत्ररक्षण कुमार कडून पाहायला मिळते, फक्त एकच धाव, एका धावपेक्षा अधिक नाही, धावसंख्या सिंगल ने वाढते, धावसंख्या एक ने वाढून होती 12। बंटी स्पोर्ट बोरियोली के कॅप्टन और सोना देवी टेमगर के कॅप्टन, आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए, उसके बाद मयूरेश स्पोर्ट और प्रथम कुमार, महेंद्रा स्पोर्ट और रमनी कोहली, और आखिर में ओल्डी गोल्डी का सेमीफाइनल मुकाबला गावदेवी भादवाड़ और कारिवली। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 2-12। हा प्री क्वार्टरचा दुसरा फायनल सामना आपण पाहतोय, पहिल्या सामन्यामध्ये बी इंडियन संघ विजयी ठरला होता। मयुरेश से पहले मुकाबला ओल्डी गोल्डी रहेगा, बंटी बोरियोली और सोना देवी टेमगर के बाद ओल्डी गोल्डी मैच रहेगा, और उसके बाद मयुरेश स्पोर्ट और प्रथम कुमार और महेंद्रा स्पोर्ट और रमनी कोहली आखिर में। कॅप्टन भावेश पवार आणि अख्तर शेख याला कंटिन्यू ठेवलेलं आहे, पहिलं षटक अख्तर शेख यांनी हाताळलं होतं, 8 धावा खर्च केल्या होत्या। यस, आय थिंक नॉट अ इनफ टोटल ऑन दी बोर्ड, एक्सलंट बॉलिंग सो फार फ्रॉम धनेश कुक्से, 12 रन्स अँड 2 विकेट्स। निश्चित इनफ टोटल धावपळकर पाहायला मिळत नाही, फक्त आणि फक्त 12 धाव धावपळकर झलकले गेले आहेत। यावेळी हेलिकॉप्टर ड्राय करण्याचा प्रयत्न होता, वेगवान चेंडू, ब्युटिफुल बॉल, वाईड यॉर्कर अँड बॅट्समॅन प्लेड ओव्हर द लाईन।
हे आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता। अख्तर शेख व्हीआयपी डॅश करून वालताना हफीज चेंडू होता, चेंडूला मिडी के रिजन मध्ये ठेवलं जातोय। चांगलं क्षेत्ररक्षण दीपेश माली याच्याकडून पाहायला मिळते आउटफील्ड मध्ये। हॅलो हॅलो, फक्त एकच धाव। तिसरं षटक मार्गस्त आहे। अख्तर शेख तिसरं षटक हातलतोय, वैयक्तिक दुसरं आणि सांघिक तिसरं। पूर्णपणे जखडून ठेवलेलं आहे बालाजी स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांना। मोठा हादरा बसला होता जेव्हा दीपक मडवी हा बाद झाला होता, कारण एक चांगला फलंदाज दीपक मडवी आपण बाद होताना पाहिला होता। स्वीच स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, स्वीप करण्याचा प्रयत्न मात्र फसला जातोय। एकदा पूर्ण गदा फलंदाज, एका धावीने धावसंख्या होती ते 14। धावांसाठी संघर्ष करताना दिसतात बालाजी स्पोर्ट्स संघाचे फलंदाज। अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी, पूर्णपणे एक षटकार जर मायनस केला तर पूर्णपणे जखडून ठेवलेलं आहे बालाजी स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांना। यावेळी जोरदार अपील आणि एस सोमनाथ याची गेली संपुष्टात येतोय। तिसऱ्या विकेटचं पतन, तिसरा अदरा बसतोय बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पडा या संघाला। आमदार चषक 2018 मध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। सेवानिवृत्त सीआयडी ऑफिसर पद्माकर विशे साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। यानंतर भिवंडी महानगरपालिकेचे आदरणीय चित्ते साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। हे आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फलंदाज बाद झाला। जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न होता, फुटवरचा वापर करताना दिसला नव्हता, बदललेलतेचा अभाव जाणवला होता। नवीन फलंदाज सुजित पाचव्या क्रमांक खेळण्यासाठी आलेला आहे। टॉप ऑर्डरचे तीन फलंदाज बाद होऊन फिल्डर मध्ये पुढे। पहिला फलंदाज दीपक एक या धावसंख्येवर बाद झाला होता, दुसरा फलंदाज रुपेश 8 या धावसंख्येवर बाद झाला होता, नुकताच 14 या धावसंख्येवर सोमनाथ हा बाद होऊन फिल्डर मध्ये परतलेला आहे। यावेळी चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने जास्त वळला होता, पंचांकडे अशाभूत नजरेने पाहिलं होतं, मात्र पंच सहमत होत नाहीत। अख्तर सामना करेल फलंदाज सुजित, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न। यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडूच्या हाताने गेली होती, निर्धाव चेंडूने तिसऱ्या षटकाची समाप्ती। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये, तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ते 3-14। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स, स्वागताकडे वळूया सन्माननीय शिक्षक जानवळगावचे रवी जाधव सर व्यासपीठावर विराजमान आहेत। अरुण भोईर सरांना विनंती करतो आपण त्यांचं स्वागत करायचंय। आमदार चषक 2018 मध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। यानंतर आपल्या गावचे गायक किरणजी जुकर यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये। यानंतर शरद पाटील दादा भादवड आपल्याला सुद्धा विनंती आपण स्वागतासाठी यायचं आहे। यानंतर बाळाराम जोशी काका आपल्याला सुद्धा विनंती आपण स्वागतासाठी यायचंय। धन्यवाद शुभा धुमाल। बी इंडियन के गेंदबाजों ने जो हालत की थी समायरा की, वही हालत यहाँ बालाजी की धनेश करती भी। भावेश पवार इस मरतबा लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद पैरों से उलझी, शॉर्ट लेग पे गई लेग बाय के रूप में। रन बनना ही बंद हो गया लग रहा है, जिस तरह बालाजी बल्लेबाजी कर रही है। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पे आप देख रहे हैं क्रिकेट के रंग। महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग प्री क्वार्टर फाइनल बालाजी और धनेश कुकसे के बीच में। भावेश पवार दूर वाले छोर से मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट,
इस मरतबा करारा स्ट्रोक अपने फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया कलेक्ट किया, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेटर्स कैच। दर्शकों को लगता है कि कैच पकड़ा गया है, पहले बाउंस पे गेंद गई थी, कोई रन नहीं, 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। सुजीत पाटिल सामना करें भावेश पवार का, बड़े मैच के खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए, पटकी हुई गेंद, ऊंचा बाउंसर, अंपायर का इशारा वाइट और 1/4 दी ओवर का भी इशारा आता हुआ, मानो अपने बाउंसर को जाया कर दिया। एक रन से स्कोर 16 पे पहुंचा है बालाजी स्पोर्ट्स का 3 विकेटों के नुकसान पे। भावेश पवार बहुत खूबसूरत गेंद, टिप्पा खाने के बाद मोमेंट मिला था, नीचे भी रही थी, कहीं भी पैर नहीं चले थे, क्रिस बॉक्स से खेलने की कोशिश की थी सुजीत ने। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं भावेश पवार, 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी तक बालाजी टीम को पूरी तरह दबाव में रखा है, अगली दो टीमों को तैयार रहना है, सोना देवी टीमगढ़ और बंटी स्पोर्ट। इस मरतबा बात ही खूबसूरत लेट कट, कोई मौका नहीं, 4 रन। भावेश पवार के पेस को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया था और बल्ले के मुंह को लेट खोला, कंट्रोल लेट कट शॉट, शॉर्ट थर्मेन के लिए मौका नहीं, 4 रन। अतिशय उत्कृष्ट फटका, नाजूक फटका अपन क्रिकेट मधील पाहतोय, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। 20 पे पहुंचा स्कोर बालाजी का, निलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट और दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी टेमगढ़। भावेश पवार बढ़िया गेंद, फिर से बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं भावेश पवार, यही कारण है कि बैट्समैन को सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए, इस मरतबा छोटी बैकलिप से गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे गेंद पर लेकिन नहीं रोक पाए बैट्समैन को 2 रन लेने से। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 22 रन, विकेट गिरी है 3। इसके बाद बंटी स्पोर्ट बनाम सोना देवी टेमगर, उसके बाद आप देखेंगे गौदेवी भादवड़ बनाम कार्यवली 40 प्लस का मैच, उसके बाद मयूरेश बनाम प्रथम कुमार और आखिर में मैच ऑफ नाइट महेंद्रा बनाम रमनी कोहली। देखना है कि रमनी कोहली से महेंद्रा बाली ट्रॉफी का बदला पूरा करती है या नहीं। धन्यवाद भावेश सर, मित्रों स्वागताकडे वळूया। सेवानिवृत्त सीआयडी ऑफिसर आदरणीय पद्मकर विशेष साहेब व्यासपीठावर विराजमान आहे, विलाजी वायले भाऊजींना विनंती असेल आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। स्वर्गीय महेंद्र लक्ष्मण म्हात्रे व्यासपीठावर विराजमान आमदार चषक 2018 मध्ये सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे आणि लाईन ऑफ भिवंडी संजयभाई म्हात्रे, भिवंडी महानगरपालिकेचे आदरणीय चित्तेश साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। गेंदबाजी में ऊंचे कद के हेमंत हरट को बुलाया गया है। जय मल्हार सिक्युरिटीचे व्यवस्थापक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे। आमदार चषक 2018 मध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। ओटो कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवि सर, 21-22 रन बने। गेंदबाजी में हेमंत अरट, सामना करेंगे बैट्समैन सूरज जोशी। सूरज जोशी ने अभी तक काफी डॉट गेंदे खेली, उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे। 4 गेंदों में 3 डॉट गेंदे खेल चुके हेमंत अरट। सूरज जोशी के लिए स्विच इट, हवा में फील्डर उसके नीचे, सूरज जोशी आउट। आप चौथा झटका लगता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स को। आउट होके जा रहे हैं सूरज जोशी, कठिनाइयां बढ़ती हुई, नए बैट्समैन बहुत दिनों के बाद सुफियान शेख बल्लेबाजी को आए। आज वैसे भी फ्राइडे है और ये जो सुफियान शेख है ना,
इनका तो काम है बस दे, और कभी कभी विकेट भी दे जाते। दीपक मडवी को हालांकि दिलीप मात्रे ने, उनके सारू ने ऑल द बेस्ट बोला था, लेकिन आज दीपक मडवी नहीं चले। आउट होने से पहले केवल शून्य पे आउट हुए। दीपक मडवी भी जेबी कप के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, उसके बाद से उनका फॉर्म भी नीचे गिर गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हेमंत अराट, इस मरतबा पिछले पांव पे चले गए, फिर शॉट में टाइम नहीं। लगातार हम देख रहे हैं कि शॉट्स को टाइम नहीं कर पा रहे, उसका कारण है कि गेंदबाजी बहुत ही नपी तुली हो रही है और बैट्समैन को मौका हाथ खोलने का नहीं दे रहे बैट्समैन गेंदबाज। 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। हेमंत अरट लंबा कद है सुफियान शेख के लिए, मौका है सुफियान शेख के पास के आखिर के मैचेस में हीरो बनने का। हेमंत अरट राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट, नीचे बैठ गए थे वहां पर। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी धनेश कुक से की, जिस तरह बी इंडियन ने गेंदबाजी की उसी तरह धनेश भी गेंदबाजी कर रही। आज बल्लेबाजों का दिन नहीं है, आज गेंदबाजों का दिन है। जानवी की जान निकाल दी थी रमनिक के बैट्समैनों ने। अब सोना देवी और बंटी स्पोर्ट बोरियोली, योगेश धोंदे और शाहिद खान आमने सामने। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हेमंत अराट, बहुत बढ़िया गेंद और अपील वहां पर। ये देखिए शॉट खेलते समय गिर गए थे वहां पर, रन पूरा करते हुए। बहुत खूबसूरत गेंद थी, स्विंग भी थी हवा में। ये देखिए इंपैक्ट कहीं ना कहीं संतुलन नहीं रख पाए थे। क्या गेंदबाजी कर रहे हेमंत अरट, पामोली तो जवाब नहीं, हेमंत अरट का अपन जवाब नहीं। एक जमाना था कि तालुका क्रिकेट में हेमंत अरट के चर्चे हुआ करते थे, कभी कभी खिलाड़ी चर्चे और खर्चे के बीच में फंस जाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत खूबसूरत यॉर्कर, छोटी बैकलिप से ड्राइव किया, एक रन। क्या गेंदबाजी हो रही है धनेश कुकसे की और क्या फील्डिंग हो रही है, लग ही नहीं रहा है कि बालाजी स्पोर्ट बल्लेबाजी कर रही। नक्की अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षक जी एक चांगली साथ मिळते गोलंदाजांना। हेमंत अरट राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सुफियान शेख के लिए, पांचवा ओवर चल रहा है। अच्छा ड्राइव लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि सुफियान शेख पूरी तरह फिट नहीं है, जिस तरह वो भाग रहे हैं। पांच ओवर की समाप्ति, स्कोर है 26 रन, आखिरी मौका रह गया है बालाजी स्पोर्ट्स के सामने, जबकि अगला मुकाबला होने जा रहा है बंटी स्पोर्ट बोरियोली और सोना देवी टेमगर। उसके बाद आप देखेंगे गावदेवी भादवाड़ 40+ और कारिवली, उसके बाद प्रथम कुमार और मयूरेश, बैक टू बैक रमनी कोहली और महेंद्रा स्पोर्ट। ये आज के मैचेस की रूपरेखा आपके सामने। दूर वाले छोर से मनोज भीर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। हालांकि पिछले साल तक देखे तो मनोज भीर गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन इस सीजन में कम क्रिकेट खेला और इस सीजन में उतने सफल भी नहीं रहे। होता है, दिन बदलते रहते हैं, हर खिलाड़ी में उतार चढ़ाव आते रहता है और हर टीम पे उतार चढ़ाव आते रहता है।
उससे क्लास कभी भी नहीं मरता है, क्लास इज परमानेंट। मनोज भीर का जो क्लास है वो परमानेंट है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस्मतबा खड़े खड़े शॉट को खेला, फिर टाइमिंग नहीं, एक रन बनता हुआ, एक रन से स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पे। कहीं भी लग नहीं रहा है कि बल्लेबाजी हो रही है, हो रही है तो सिर्फ गेंदबाजी हो रही है। मनोज भोयर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट सुजीत पाटिल के लिए। इस मरतबा स्वीप कर दिया गेंद को, लॉन्ग लेग मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, आत्महत्या कर ली सुजीत ने। पांचवा विकेट गिरता हुआ 28 के योग पर बालाजी स्पोर्ट्स का। बहुत ही शांत क्रिकेट पिछले 2 मैच से हम देख रहे हैं और दर्शकों को निराशा होती भी, जिस तरह का क्रिकेट होना चाहिए था उस तरह का क्रिकेट हम नहीं देख रहे। नक्कीच अपन रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फलंदाज धावपळ झाला होता, अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण कुमार याच्याकडून ऑलफील्ड मध्ये झालं होतं, क्विक थ्रो आणि आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचू शकला नव्हता फलंदाज। 28 रन 5 विकेटों के नुकसान पे 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। नए बैट्समैन अवि पाटिल मैन ऑफ क्राइसिस को बहुत लेट भेजा है बैटिंग ऑर्डर में, हालांकि बाएं हाथ के बैट्समैन थे और उनका वो फायदा भी उठा सकते थे। मनोज भोयर गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। अभी को वाइड गेंद साइड आर्म गेंद की थी, वहां पर एक रन से स्कोर 29 पे पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पे 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। मनोज भोयर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन अवि पाटिल। 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस मरतबा ड्राइव जरूर किया बल्ले की जड़ से डीप मिड ऑफ पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बताइए कि कोई अभी तक कितने चौके लगे या सिक्सर कितने लगे, एक सिक्स और एक चौका लगा है। मनोज भोयर शुभा धुमाल के मोबाइल पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा मोबाइल वैसे भी ऑफलाइन है। अच्छी गेंद आगे रखा था, छोटी बैकलिप से गेंद को
वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ खेलते हुए एक रन के लिए, स्कोर 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। पिछले मैच में कितना लक्ष्य था अभी इंडियन के सामने? 35 का था, यहां 31 बने। बहुत ज्यादा दब गई है बालाजी की बल्लेबाजी धनेश कुक्से के सामने। मनोज भैर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा सीधा ड्राइव हवा में आउट अभी, 31 पे 6 विकेट। कितनी गेंदें बची आखिरी ओवर की? एक गेंद बची। भिवंडी ग्रामीण शिवसेना सचिव दीपकजी पाटील साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम आमदार चषक 2018। देखिए पहली गेंद से जो दबाव बढ़ा था उससे निकल नहीं पा रही है बालाजी आखिरी गेंद तक। ये नारायण नंदनीय जी विभाग प्रमुख शिवसेना आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। मनोज भैर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए सुफियान शेख के लिए। इस मरतबा लाफ कर दिया, दे दिया स्टैंड में 6 रन, लेकिन आखिरी गेंद पर दिया बस दे, एक ही दे चुके हैं। 37 रन हुए, 38 की चुनौती रखी है धनेश के सामने बालाजी ने। यापुढील होणाऱ्या सामन्याचा नाणेफेक करण्यासाठी सन्माननीय शिवसेना सचिव ग्रामीण दीपकजी पाटील साहेब आणि नारायण नंदानियाजी शिवसेना विभाग प्रमुख यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। आइए दोस्तों अगला टॉस होने जा रहा है बंटी स्पोर्ट बोरियोली और सोना देवी टेमगर के बीच में। दीपक पाटील जी के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। नारायण नंदानी जी और दीपक पाटील दोनों टीमों के कैप्टन मुझसे जुड़ चुके हैं, बहुत ही मशहूर योगेश धोंडे और करेश मात्रे, दो महान खिलाड़ी। आइए दीपक पाटील जी के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ये सिक्का है मेरे पास, एक तरफ आपला अमदार और एक तरफ महिंद्रा स्पोर्ट। टॉस को जीता है इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स ने। आइए दो गिफ्ट एम्पर, ये गिफ्ट एम्पर आपको देना है टॉस विनिंग कैप्टन योगेश धोंडे को। अनेक अनेक धन्यवाद, मान्यवर से निवेदन है आपको मंच पे जाना है। योगेश धोंडे, श्याम सुहानी मैच भरा, पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, काफी एंजॉय कर रहे हैं हम। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? आज हम फील्डिंग करना चाहेंगे। रीजन बता सकते हैं कि चेसिंग आज आसान है ये सोच के आपने भी फील्डिंग ली है, क्योंकि फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है या कोई और रीजन है? नहीं कोई रीजन नहीं, आज फील्डिंग करेंगे। ये बताइए 6 ओवर में बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है सोना देवी टिमगर की, कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? अभी हम फिक्स नहीं कह सकते, 40-50 कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे। क्या विवेक शेलार फिर से आपके गेंदबाजी के ट्रम्प कार्ड रहेंगे? हाँ वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड बॉलर है। और पिछला मैच हुआ था उसमें कोई चेंजेस है टीम में? नहीं कोई चेंजेस नहीं। ऑल द बेस्ट। करेश मात्रे है मेरे साथ में, करेश ये बताइए अभी तक MLA ट्रॉफी को आपने देखा है खेला है कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ, बैटिंग नहीं हो रही है लेकिन ठीक है। ये बताइए कि आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग ही करने वाले थे। लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई, पिछला जो मुकाबला आपने खेला था टीम में कोई रद्दो बदल है? नहीं नो चेंजेस। और ये बताइए कि इस अहम मुकाबले में बंटी के सामने कितने का लक्ष्य आप रखने जा? ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि इवनिंग में भी रन बनाना भी मुश्किल है और बाद में चेसिंग के लिए भी हार्ड हो जाएगा,
तो ट्राई करेंगे कि हम लोग का 100% दे देंगे। करेश ये बताइए कि ओपनिंग में कोई चेंजेस रहेंगे या वही ओपनिंग पेयर रहेंगे? वो तो मैच चालू होने के बाद देख जाएंगे। तो उम्मीद करें कि सोना देवी फिर से आगे की तरफ देख रही है। हाँ, ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज बंटी स्पोर्ट बोरियोली वन द टॉस दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आमदार चषक 2018 मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। महेंद्र लक्ष्मण म्हात्रे व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। सन्माननीय हितेजी जैन, सुरेजी जैन, राजूभाई शहा, राकेशभाई जैन आणि पवन जैन आपला हार्दिक स्वागत आहे। यानंतर कारिवलीचे उपशाखा प्रमुख सदानंद नाईक साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। शिवसेनेचे ग्रामीणचे आदरणीय सचिव दीपकजी पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत। नारायणजी नंदानिया सन्माननीय विभाग प्रमुख शिवसेना आपलं हार्दिक स्वागत आहे। शाखा प्रमुख सुरेशजी पाटील तसेच शिव व्यापारी सेना महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष रमाकांतजी गुळवे साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवि तरे सर। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से एमएलए ट्रॉफी 2018 में। मुकाबला इस समय बालाजी स्पोर्ट्स और धनेश इलेवन कोक्स के बीच में चलता हुआ और क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा है धनेश इलेवन के गेंदबाजों का। चुनौती केवल 38 रनों की। ओपनर्स पहुंच चुके हैं क्रीज पर, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए दाहिने हाथ के बैट्समैन शेखर दलवी और उनके साथ है बाएं हाथ के बैट्समैन कुमार। ये धनेश की बहुत ही पॉपुलर सलामी जोड़ी है। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में हमने ओपनिंग पेयर में चेंजेस जरूर देखे, लेकिन फिर से वही स्थापित सलामी जोड़ी पर अब निर्भर कर रही है धनेश लेवन। बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से निराश किया। पराग जाधव जो कि एक बहुत ही युवा और बेहतरीन गेंदबाज है, पहली गेंद लेकर काफी दूर से ड्राइव लगाया है और गैप भी ढूंढा। शानदार स्ट्रोक, 4 रन पहली गेंद पर। शेखर दलवी जो पहले दोनों मुकाबलों में शून्य पर आउट हुए थे, इस बार देखिए पूरे नियंत्रण के साथ ये ड्राइव लगाया है। हालांकि हाफ वाली तो नहीं थी, लेकिन जगह थी हाथ खोलने के लिए। बालाजी स्पोर्ट्स को मुकाबला अगर जीतना है तो गुच्छों में विकेट लेने होंगे। ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार हल्का सा मूवमेंट था गेंद में, थोड़ा धीमा भी डाला था, बीट किया शेखर को। जी हाँ, शुरुआत से ही गुच्छों में विकेट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि 36 गेंदों में 38 रन एक बहुत ही छोटा टारगेट है। पिछला मैच भी जल्दी समाप्त हुआ, बी इंडियन ने तो 2 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा किया था। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं धनेश इलेवन को। 1 रन मिलता हुआ शेखर को, रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके हैं और फ्लड लाइट्स की रोशनी में तो ये स्टेडियम और भी खूबसूरत दिखता है। भादवर टेमगर पाड़ा का ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड। आज का 9वां दिन है, 9वीं रात अब शुरू होती हुई एमएलए ट्रॉफी 2018 की। एंगल चेंज किया है यहाँ पर पराग जाधव ने, क्योंकि बायत के बैट्समैन अब उनके सामने हैं, तो राउंड द विकेट जाने का फैसला लिया है। आगे रखी हुई गेंद हल्के हाथों से पुश किया है कवर्स में, डीप में फील्डर है आफ्ताब। कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही है बल्लेबाजों द्वारा, जानते हैं कि एक छोटा टारगेट यहाँ पर चेज कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कुमार तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन शेखर के पास एक अच्छा अवसर है, समय गुजार सकते हैं और एक अच्छी पारी यहाँ पर खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। एक और खूबसूरत ड्राइव शेखर के बैट से, इस बार 2 रन लेना चाहते हैं
और तेज दौड़ लगाई बल्लेबाजों ने और दो रन भी पूरे किए। अच्छा तालमेल जब भी ये दो बल्लेबाज क्रीज पर रहते हैं धनेश इलेवन के लिए, अच्छी शुरुआत कई बार दे चुके हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा तालमेल है दोनों के बीच में, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, काफ़ी क्रिकेट एक साथ खेला है उन्होंने, अभी भी खेल रहे हैं, तो आपसी तालमेल और आपसी समझबूझ काफ़ी है। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है शेखर ने, फील्डर वहां पर पहुंचते हुए इस बार एक ही रन से संतुष्ट, तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर के लिए शेखर दलवी। शेखर पहुंचे 8 पर, कुमार 1 पर और धनेश 11 9 बिना किसी नुकसान के। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स मित्रांनो, स्वागताकडे वळूया। शिवसेना ग्रामीण सचिव आदरणीय दीपकजी पाटील साहेब व्यासपीठावर विराजमान आहे। नरेशजी म्हात्रे आपल्याला विनंती करतो, आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। आमदार चषक 2018 मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। दीपकजी पाटील शिवसेना ग्रामीण सचिव आपला हार्दिक स्वागत आहे। यानंतर आदरणीय नारायणजी नंदानिया विभाग प्रमुख शिवसेना यांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे, सुस्वागतम। त्यानंतर सदानंद नाईक उपशाखा प्रमुख कारिवली आपण स्वागताचा स्वीकार करायचंय। यानंतर श्रमजीवी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते हिरमणजी गुडवी साहेब व्यासपीठावर विराजमान आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। यानंतर आदरणीय हितेजी जैन उद्योगपती भिवंडी यांचं स्वागत करायचंय। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। नेवर लेकर आफ्ताब इस बार क्लांस करने का प्रयास, बल्ले से लगी थी लेकिन बाउंस पर विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल से शुरुआत होती हुई आफ्ताब के ओवर की। बायत के तेज गेंदबाज है बालाजी स्पोर्ट्स के। हरिभक्त पर्यान विश्वनाथ महाराज नाईक विभाग प्रमुख शिवसेना आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। शिवसेना भिवंडी शहर सचिव दिलीपजी नाईक आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। बेहतरीन गेंद यॉर्कर लेंथ बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई, किसी तरह से अपना विकेट बचाया और एक रन भी पूरा किया शेखर ने। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई धनेश इलेवन की, 10 रन बिना किसी नुकसान के। सबसे सफल गेंदबाज धनेश इलेवन के लिए रहे अख्तर शेख, जो कि इस सत्र में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दो ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट्स लिए। भावेश पवार को हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन किफायती गेंदबाजी, दो ओवर में 12 रन मात्र खर्च किए। हेमंत ने एक ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट लिया। मनोज के ओवर में 11 रन बने थे, उनको भी 1 विकेट मिला, तो 37 पर 6 विकेट बालाजी का स्कोर था 6 ओवर्स में। टॉप स्कोरर रहे सुजीत, 9 रन बनाए, उसके लिए भी उन्होंने 10 गेंदें खेली। सुफियान 8 रन बनाकर नाबाद रहे। तो बल्लेबाजी में तो फ्लॉप शो रहा है बालाजी स्पोर्ट्स का, अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो गेंदबाजों के कंधों पर है। इस बार आखिरी क्षणों में बल्ला वहां पर लगा दिया और गैप ढूंढने में कामयाब, पीछा हो रहा है लेकिन पहुंच नहीं पाए। 4 रन, नजाकत भरा स्ट्रोक यहां पर कुमार के बैट से, देखा कि पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, सर्कल के अंदर है। पहले तो ऐसे लगा कि शायद छोड़ देंगे लेकिन ये देखिए बैट का फेस खोला, दिशा दिखाई और उस फील्डर को बीट गया। आउटफील्ड बहुत ही तेज है, पूरी वैल्यू मिलती हुई यहां पर कुमार को अपने अच्छे स्ट्रोक की। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। आज का ये पांचवा मैच है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला सोनादेवी टेमघर और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के बीच में। ये बेहतर लंबाई की गेंद थी, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में आती हुई, लेकिन उतने ही अच्छी तरह से खेला है कुमार ने, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, गेंद के मेरिट पर खेलते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज। और धनेश इलेवन पूरे नियंत्रण में इस मैच में, वन वे ट्रैफिक धनेश इलेवन की ओर से इस मैच में रहा है अभी तक के खेल में, और मैच के ड्राइविंग सीट पर इस समय धनेश इलेवन कुक से।
पाइन लेक थर्ड मैन दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। इस बार करारा ड्राइव, रन मिलेगा एक और खुश है शेखर दलवी, काफी खुश है। सिंगल से 10 पर पहुंचे हैं, कुमार 6 पर। यहां पर विकेट की जरूरत है। बालाजी स्पोर्ट्स को यदि मैच में बने रहना है तो क्विक विकेट्स निकालने पड़ेंगे, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि चमत्कारी गेंदबाजी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदें ज़्यादा बची है, एक भी विकेट नहीं गिरा है, रन्स बहुत कम चाहिए, यहाँ से सिर्फ 22 रन चाहिए, 25 गेंदें शेष है। स्विंग किया इस बार कुमार ने, लंबा शॉट, 6 रन। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन टाइमिंग लाजवाब, और ये पहला सिक्सर इस पारी का कुमार के बैट से। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद थी, वजन बैकफुट पर थोड़ा सा घूम गए और गेंद को भी घुमा दिया। छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, 22 बिना किसी नुकसान के धनेश 11। धन्यवाद मित्रांनो, स्वागताकडे वळूया। सुरेशजी जैन व्यासपीठा विराजमान आहेत, त्यांचं स्वागत करायचंय। शिवसेना उपविभाग प्रमुख नरेश म्हात्रे, आपण त्यांचं स्वागत करायचंय। सुस्वागतम। आमदार चषक 2018 मध्ये उपस्थित सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत। यानंतर राजूभाई शहा यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय, वेलकम। शिवसेनेचे माजी गटनेते आदरणीय दिलीपजी गुळवे साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये। यानंतर राकेश भाई जैन यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। यानंतर पवन जैन यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। माजी नगरसेवक रमेशजी दिवेकर साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवि सर। तो पराग आक्रमण जारी रखते हुए, और ये लीजिए ऊंचा स्ट्रोक, ओ हो हो, स्टेडियम के बाहर, 6 रन, शेखर दलवी स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रोक्स ऑफ द टूर्नामेंट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर की सिर के ऊपर से। ये देखिए गेंद की पिच तक तो नहीं थी, ये लगभग ऑन द राइज खेल दिया उन्होंने, और सीधे वीआईपी डाइस के ऊपर से स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। आत्मविश्वास अब काफी बढ़ गया है यहां पर शेखर दलवी का। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक इस बार, हालांकि उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, और वो अच्छा भी रहा बैट्समैन के लिए, अथवा फील्डर तक क्यारी हो जाती गेंद। इस बार सिंगल, रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के, तो 10 विकेटों से ये मैच जीतने का अच्छा मौका है धनेश 11 के पास। मैच में अब कुछ खास बचा नहीं है। बालाजी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को तो बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि टोटल ही बहुत छोटा था, बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से निराश किया। पिछले मैच में भी हालांकि बालाजी स्पोर्ट्स ने मैच जीता जरूर था, और पहला मैच खासतौर पर जो जीता था उसमें भी बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं लगभग धोखा ही दे दिया था बालाजी स्पोर्ट्स को। इस मैच में अपेक्षा थी कि अच्छा खेलेंगे बल्लेबाज, लेकिन नहीं, और सारा श्रेय जाता है धनेश 11 के गेंदबाजों को, जिस तरह से गेंदबाजी की अख्तर शेख, भावेश पवार और हेमंत अरड ने। इस बार स्ट्रोक बनाने की कोशिश, अच्छी गेंद थी फुलर लेंथ, यहाँ पर देखना है सिग्नल अंपायर का लेग बाय। स्कोर अब 30 रन बिना किसी नुकसान के। तो पिछला मैच भी बिल्कुल एक तरफा रहा बी इंडियन और समयरा स्पोर्ट्स के बीच में, और ये मैच भी बिल्कुल एक तरफा। अगले मैच में हालांकि आशंका जताई जा रही है कि बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों भी बैलेंस टीमें हैं। मल्टी स्पोर्ट्स ने अच्छा क्रिकेट खेला है, और सोना देवी टीमघर ने भी। इस बार स्लैश किया, शानदार प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अब देखना है ये 4 या 6, 4 रनों का इशारा। क्या कमाल के शॉट्स लगा रहे हैं शेखर दलवी। पहले दो मुकाबलों में मिडविकेट की दिशा में कैच आउट हुए थे, लेकिन आज देखिए ये पहला स्ट्रोक, और वहीं से पता चल गया कि आज शेखर अच्छी पारी खेलेंगे। पहली गेंद मिडल की थी उन्होंने, और पूरे नियंत्रण के साथ स्ट्रोक खेला था 4 रनों के लिए। इस समय 21 पर बैटिंग करते हुए शेखर दलवी,
जीतने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत। हवा में है गेंद, लीजिए, हो गया काम, 6 रन और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ 10 विकेटों से भव्य जीत हासिल की है धनेश 11 कुक से टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस धनेश 11, कॉन्ग्रेचुलेशंस पांडुरंग धर्मा पाटिल साहब एंड हार्ड लक बालाजी स्पोर्ट्स। अहमदाबाद चषक 2018 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आपण पाहतोय क्रिकेटचा महासंग्राम, व्यासपीठावर विराजमान मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। बेस्ट परफॉर्मन्स एंड मॅन ऑफ द मॅच प्लीज अलाउंस। अभी बेस्ट परफॉर्मेंस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी तो नो डाउट 3 विकेट्स लेने वाले अख्तर शेख। ये मैच समरी आपके सामने है, 3 विकेट्स लिए थे अख्तर ने। और बेस्ट परफॉर्मेंस बालाजी स्पोर्ट्स की ओर से जिन्होंने एक छक्का जड़ा था, सुफियान। बेस्ट परफॉर्मेंस सुफियान अनि मैन ऑफ द मैच अख्तर शेख, प्लीज वेलकम स्टेज। पटापट यायचे मित्रांनो, आपण पाहतोय आमदार चषक 2018 क्रिकेटचा महासंग्राम। भिवंडीतील एकता अखंडता आणि सामाजिकरण जपणारा भिवंडीतील प्रत्येक घराघरात खेळाडूंना विनंती राहील की आपण त्वरित बाहेर यायचे। सुफियान यांनी बेस्ट अवॉर्ड पटकावलेला आहे आणि मॅन ऑफ द मॅच अख्तर शेख। सुरेश भाई जैन यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते मोमेंट द्यायचे। बबन पाटील शाखा प्रमुख सरोली पाटीलच्या माध्यमातून आहे, वेलकम सुस्वागतम। मॅन ऑफ द मॅच अख्तर शेख, प्लीज वेलकम स्टेज। दीपक पाटील साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभास्ते हा सुंदर मोमेंटो द्यायचा आहे, ट्रॉफी द्यायची आहे। ओम साई टॉकिंग सुरेंद्र पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर आहे। दिलीप नाईक साहेबांना विनंती असेल, आपण शिव व्यापारी सेना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष रमाकांत गोळी साहेब यांच्या माध्यमातून ही बॅग आहे। त्यानंतर हिरमन दादा गोळी आपल्याला विनंती असेल, होम सेंटर पाहिजे सोनाले। विनीता विश्वनाथ तळे, दीपक तळे, प्रेम तळे, अनिल तळे यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर आहे। नारायण नंदानिया साहेबांना विनंती असेल, आपण हर्ष एंटरप्राइजेस राजा नाईक यांच्या माध्यमातून जे गिफ्ट टेम्पल आहे ते खेळाडूला द्यायचे अख्तर शेख याला। राकेश भाई यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते साई एंटरप्राइजेस संजय भाऊ तळे यांच्या माध्यमातून। आणि विनंती राहील आपण प्रियांश एंटरप्राइजेस राजू भाई यांना विनंती असेल प्रियांश एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून, हे गिफ्ट टेम्पल आहे। पवन भाई आपल्या विनंती राहील की आपण कैलास खंडू मडवी विभाग प्रमुख लोणार यांच्या माध्यमातून देण्यात येणार गिफ्ट टेम्पल द्यायचे। सो कॉन्ग्रेच्युलेशन मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड अख्तर शेख। मित कुमार आपले फलंदाज पाठवायचे लगेच, सोनादेवी सोनादेवी टेमगार। यानंतर व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान करायचे आमने ग्रामपंचायत सदस्य सुभाषजी दळवी आपल्यामध्ये उपस्थित झाले, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। उपविभाग प्रमुख नरेश मात्रे यांना विनंती असेल आपल्या शुभस्ते, आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं। आपण पाहतोय क्रिकेटचा महासंग्राम अहमदाबाद चषक 2018। भिवंडीतील प्रत्येकाच्या घराघरात आणि प्रत्येकाच्या मनामनात अधिराज्य करणारा तुम्हाला सर्वांचा चषक अहमदाबाद चषक 2018। भास्कर भोईर एक जबरदस्त कुक आहेत आणि ढाब्याचे प्रोप्रायटर आहेत भास्कर ढाबा। आणि फायनल संडेला आहे आणि 12 वाजता शेड्यूल आम्ही असणार आहोत भास्कर ढाब्यावर आणि त्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर आहे। त्या दिवसाचं रुचकर जेवण आज अलाउन झालेलं आहे, त्या दिवशीचं त्या दिवशी बघू भास्कर जेट। परंतु आज आपलं हार्दिक स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे आपलं। मित्रांनो आपण पाहतोय अहमदाबाद चषक 2018 भिवंडीमध्ये, तसेच ठाणे जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह आहे। टेलिव्हिजन सेटच्या माध्यमातून लाखो रसिक प्रेक्षक आम्हाला जोडले गेलेले आहेत। कालच्या दिवसामध्ये 30,000 युट्यूब व्हिजर